स्वर्ण जयंती वर्ष में ज्ञान संस्कृति और कला विषय पर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का सबसे प्रतिष्ठित महाराजा विश्वनाथ सिंह स्मृति भाषणमाला का हुआ आयोजन। हम आपको बता दें, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित व्याख्यान माला है। रीवा रियासत के पूर्व महाराजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम से होने वाली व्याख्यान माला महाराजा विश्वनाथ सिंह एक योग्य कुशल अनुभवी शासक ही नहीं अपने समय के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान संस्कृति और कला के जानकारों में से एक थे। शायद इसीलिए देश के अपने समय के सर्वश्रेष्ठ विचारक लेखकों साहित्यकारों को रीवा विश्वविद्यालय के शंभुनाथ शुक्ल के सभागार में रीवा के कलाकारों लेखकों को सुनने का मौका मिला। फिर चाहे वह हजारी प्रसाद रहे हों या फिर महादेवी वर्मा या फिर लिस्ट काफी लंबी है। स्वर्ण जयंती वर्ष में मुख्य वक्ता रहे देश की ख्याति प्राप्त लेखक डॉक्टर कपिल तिवारी, जिन्होंने देश के पहले नाटक आनंद रघुनंदन की रचना करने वाले विश्वनाथ सिंह की जीवनी के बारे में विस्तार से चर्चा की। रीवा की सबसे प्रतिष्ठित व्याख्यान माला है, ये सबसे पहले शुरू रीवा के महाराजा विश्वनाथ सिंह की स्मृति भाषण माला विश्वविद्यालय में होती है। और इसमें हजारी प्रसाद त्रिवेदी, महादेवी वर्मा, शिवानी, भीष्म साहनी, बहुत बड़े बड़े लोगों ने योगदान दिया, नाम और सिंह दिया। अब स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है, इस स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष में ज्ञान संस्कृति और कला पर यह व्याख्यान डॉक्टर कपिल तिवारी का है। कपिल तिवारी देश के बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात कला चिंतक हैं, विचारक हैं। वे आर्ट, कल्चर और नॉलेज पर अपना व्याख्यान देने आए हैं। कितना धन जीवन, कितना व्यय जीवन, कितनी सत्ता और शक्ति जीवन में सकती, वो एक नर पश्चिम ने मंगल ज्ञान बनाया, भारत ने नहीं बनाया। मन की खोज भारत ने सबसे पहले इस धरती को दी। मंगल ज्ञान बनाने और चिकित्सा बन पाया, ये कहा गया कि साथ जो लोग शिक्षित हो गए हैं उनकी चिकित्सा करने का भी पूरा विधिवत विज्ञान है, मनोविज्ञान के रूप में बना है। और भारत की समझ ये थी कि मन की दीवारें नहीं होंगी,